मेट्रो अखिलेश ने चलाई, इन्होंने क्या काम कर दिया? यूपी से अखिलेश, युवाओं का दर्द जानता है अखिलेश यादव, वो खुद युवा है। 24 में किसकी सरकार? 24 में परिवर्तन होना चाहिए, 24 में परिवर्तन होगा। किसके किसके ऊपर गठबंधन का? कौन सी सरकार के ऊपर भरोसा लग रहा है? कांग्रेस यूपी से अखिलेश, अखिलेश जी यूपी से अखिलेश की। रोजगारों रोजगार जो की जो युवा है उसको नौकरी चाहिए, युवा है नौकरी चाहिए उसको, उसको युवाओं का दर्द जानता है अखिलेश यादव, वो खुद युवा है। इस सरकार ने तो नींबू की तरह निचोड़ कर डाल दिया है, नींबू की तरह निचोड़ दिया, बहुत बुरा हाल है। सबसे बड़ी चीज है, हम लोग जिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की हालत बहुत खस्ता है, बहुत खस्ता हालत है। वर्कशॉप में जाइए, गाड़ियों की हालत देखो, अंदर जाके सीटें तक नहीं है, सीटें तक, यात्रियों की जान जोखिम में है, हिली हुई है रास्ते में। आप यहाँ से और हम आप यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाइए तो आपको कभी रास्ते में 10 गाड़ियाँ खड़ी मिल जाएंगी, रास्ते में खराब गाड़ियाँ, वर्कशॉप से ठीक होकर निकलती है, रास्ते में खराब हो जाती है। अब उनका और उनका भुगतान कौन झेले? हम लोग रास्ते पड़े रहे, हेल्प आ रही है नहीं आ रही है, दो दिन पड़े। योगी सरकार तो कहती है कि यूपी में बहुत बदलाव हो गया है। ग्राउंड पे देखो ना, आगे ऊपर लखनऊ से बैठा कुछ नहीं होता है। मैडम किस तरह के बदलाव? नवाबों का शहर लखनऊ की बात तो इससे पहले भी नवाबों का शहर था, वो पहले नहीं था, पहले भी नवाबों का शहर था। क्या नया काम कर दिया? मेट्रो अखिलेश ने चलाई, इन्होंने क्या काम कर दिया? कहते हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, दिन दहाड़े रात में 11 बजे गोली मारी जाइए, क्या है? पुलिस की कस्टडी में मारी जा रही है। 2013 में जो कालकांड हुआ था वो किसकी सरकार थी, बस इतना बता दो। अगर किसी की भी सरकार की गलती रही, मानो अखिलेश की सरकार में हुआ, उसकी गलती के कारण उसको जनता ने सजा दी ना, प्रशासन से बाहर किया उसको, उसके बाद आप बीजेपी को लाए, बीजेपी की सरकार में भी वही हो रहा है, तो इसको आप क्या चाहते हैं? फिर वही चलता रहे क्या? वही चलता रहे। अभी एक जगह बता दो, आप ये बताओ जी, मेरी बात सुनो, मेरठ से हूँ मैं, मेरी बात सुनो, मेरठ से हूँ। 2013 में कवालकांड हुआ था, हमारे सामने की बात है, ठीक है ना? उसमें इतने हिंदू मरे थे, मैं नहीं कह रहा मुसलमान नहीं, मुसलमान भी मरे उसमें, लेकिन जो जो शुरुआत करवाई थी ना, इस आदम खान ने शुरुआत करवाई थी, ठीक है ना? 5-5 लाख ऐसे घूमोगे? 5-5 लाख रुपए दिए थे इसने, जितने वहाँ पे बैठे थे उसमें, और एक भी हिंदू को 5 लाख रुपए मिला, एक हिंदू को नहीं मिला था, एक हिंदू को भी। अब वो तो बात नहीं दिखाई दे रही ने। अब 2014 में ये सरकार आ गई और झगड़े कहीं होने रहे, हिंदू मुस्लिम होने रही, तो इनके बीच में दिक्कत होगी, इनका दिक्कत होगी। कितने झगड़े हुए बताइए? सपा सरकार को बाहर हुए आज से 7 साल हो गई, 6-7 साल हो गई। आप पुरानी आप उसकी गलती थी तभी आपने उसको निकाला। सत्ता में सरकार कौन है? दिन दहाड़े 11 बजे शूट कर दिया जा रहा है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? अतीक अहमद को मार दिया गया, क्या बात कर दी है? वो कह रहे हैं अतीक अहमद को मार दिया, गलत किया। एक बताओ भाई साहब, मेरी बात, जो गलती करेगा, विकास दुबे मरा है, वो भी मरा है, जिसने गलत करा वो मरेगा, साफ बात है। फिर भी बात भाई, वो तो सुनो, हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, जिसके नाम पे जो होगा वो निकल जाएगा, वो लिखा जाएगा, बस। कानून क्यों नहीं है? कानून क्यों गया? संविधान खत्म 2013 में, कानून कहाँ गया? देखिए दोनों पार्टियों के आपस में समर्थक जो है यहाँ पे, आधी पब्लिक जो है उसका मानना है कि अतीक अहमद को मारा जाना सही था, कुछ लोगों का मानना है कि अतीक अहमद को मारा गया ये सरासर गलत था, सरकार की नाकामयाबी बताई जा रही है। आप लोगों का क्या है मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।